आज ध्रुव चाय और आज के इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक न्यू सीरीज माइनक्राफ्ट की, मतलब नॉट सर्वाइवल सीरीज, ये एक अलग टाइप की सीरीज है। इस सीरीज का नाम है द माइनक्राफ्ट पार्टिकल सीरीज। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग टूल्स कैसे बना सकते हो, आयरन फार्म किस यूज का होता है, मतलब सब कुछ बताऊंगा जो भी माइनक्राफ्ट में होता है वो क्यों होता है, क्या काम करता है और कैसे बना सकते हैं। और इफ आप लोग को लग रहा होगा कि आयरन फार्म बहुत मुश्किल है बनाना, तो इफ़ आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे सीरीज का तो मैं इसमें भी बताऊंगा आप इजीली कैसे कर सकते हो, बना सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग को चाहिए होगा ब्लैक ओक लॉग्स। तो ओक लॉग्स से फिर आप लोग को इन्वेंटरी में जाके यहाँ से ये बना देना है प्लैंक्स, और फिर प्लैंक्स से एक क्राफ्टिंग टेबल ऐसे बन जाते हैं। फिर इस क्राफ्टिंग टेबल को ऐसी रखिए और ऐसे स्टिक्स बनाइए थोड़े। सबसे पहले तलवार बना लीजिए जो कि ऐसे बनता है, एक स्टिक और दो वुड से। अब कोई भी मटेरियल से बना सकते हो, चाहे वो वुड हो, स्टोन हो, आयरन हो, गोल्ड हो, ये डायमंड हो या हम लोग का नेदरराइट हो। तो अब आप लोग बना सकते हो ये रेसिपी एक पिकैक्स की है। अब इसको आपको ऐसे चेंज कर देना है तो एक एक्स बन जाएगी। अब इसी रेसिपी को बस आपको ऐसे करना है, एक हो बन जाएगी। अब ऐसे रख लीजिए, एक शवल बन जाएगी। तो ये स्वॉर्ड एक्स पिकैक्स हो और मतलब होगी अभी काम नहीं होती। ये जो पांच चीज़ें हैं ये मेन चीज़ें होती है माइनक्राफ्ट की, मतलब कुछ भी हो जाए आपको ये क्राफ्ट करनी ही पड़ती है, इसलिए तो माइनक्राफ्ट रखे हैं नाम ये लोग, समझदार है भाई। तो टूल्स तो आप लोग बनाना सीखे और प्लैंक सब। तो क्राफ्टिंग टेबल में ही चलते हैं। अब इधर बहुत सारे प्लैंक्स बना लो, बहुत सारे जितने बन जाते बना लो, मैं तो बना रहा हूँ सब, तो बहुत सारे बन गए। ओके गाइस, ये मतलब 3 stacks एंड ऑलमोस्ट 4 stacks। तो आपको एक घर बनाना सिखाता हूँ अब। ये क्राफ्टिंग टेबल, हाँ अभी इन तीन, ये जो एक्स शवल और पिकैक्स है उनकी यूज हो सकती है, नहीं पिकैक्स की नहीं हो सकती। तो आपको बस एक स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप दे देना और इसको ऐसे देखिए। अब आपको ऐसे ब्रॉड करना और ब्रॉड आपको जितना चाहिए आप कर सकते हो। अब अरे यार, अब वापस से आपको ऐसे कर देना है इस साइज तक। मैं कर देता हूँ गाइस। इफ आपको थोड़ी डार्क सब दिखाई दे रही होगी तो सॉरी, ठीक है ऐसे। और आपको ऊपर भी देना पड़ेगा साइज, तो मैं रिकमेंड करता हूँ 4 ब्लॉक्स ऊंचा कर लिए, मतलब आज मेरे गले में भी प्रॉब्लम है थोड़ी। और अब आपको अरे यार क्राउच कर लेना है इस ब्लॉक पे आके,
आप ऐसे भी कर सकते हो ये ट्रिक, आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो, या एक सेकंड गाइस, या ऐसी ट्रिक, नीचे आ जाने और ऐसे ऐसे नीचे से ही आपको ब्रॉड करना है। आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रिक यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ट्रिक्स बहुत इजी। और घर के अंदर आपको चीज़ें ऑब्वियसली रखनी पड़ेगी। तो एक बार घर बन जाए आपको ऐसे ही बनाने हैं गाइस। और आप लोग के पास ग्लास है तो एक सेकंड गाइस, ये अभी नहीं बोली थी, ऐसे ही आप लोग को बस कर देना। और गाइस मैं ये एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अमंगस की सीरीज। यस गाइस, अमंगस जो दुनिया भर के लोग खेलते हैं, कौन किसको नहीं पसंद होगी अमंगस ये। ओ गाइस, या शुगर केन भी है। शुगर से केन से याद आया कि आप लोग शुगर केन का पूरा फार्म बना सकते हो। इफ आपको दो शुगर केन भी मिल जाए ऐसे जैसे मुझे मिल गए, फिर भी आप पूरा फार्म बना सकते हो। अरे आपके पास बोन मिल हुआ तो मतलब आपको क्या करना है, दो ब्लॉक्स तोड़ देना है और फिर ऐसे ही बोन व्हील डालते जाना है। और वैसे ही अब इसको आपको छत देना है। तो एक और, इफ आपको डिजाइनर वाली देनी है तो आपको अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास जाना पड़ेगा एक बार वापस, जो कि हीटर। और आपके पास जितनी है, मतलब जितनी नहीं थोड़ी सी ये बना लीजिए, मैं 20 बना लिया क्योंकि 20 बन सकती थी। अब आपको एक ब्लॉक की स्पेस छोड़ देनी और वापस लगाना स्टार्ट कर देना है ऐसे गाइस। तो ऐसे ही आप लोग को करते जाना है फिर आपको मॉडर्न वाली फीलिंग देनी है तो, क्योंकि अभी तक मॉडर्न घर सब भी मैं बनाना सिखाऊंगा आप लोग को, आयरन फार्म भी बनाना सिखाऊंगा। तो इसको कर देते हैं फिनिश। गाइस, इफ आप लोग ने मेरी लास्ट जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है, जो कि शायद वो है मेरी टिकटॉक हैक्स, क्योंकि मैं ये इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ कि मुझे खुद नहीं मालूम मैं कब बनाया था वीडियो। तो आप लोग कौन सी वीडियो मैंने कब डाली थी, तो आपको ऐसे ऊपर ये ट्रैप डोर डाल देना है, क्योंकि आप फिर जब आपको हवा खाने की मन हो तो आप ये क्या ट्रैप डोर को खोल के हवा ले सकते हो और रोशनी भी आएगी, ऐसी भी रोशनी आएगी। और गाइस, इफ आप माइनक्राफ्ट खेलते हो सर्वाइवल में और आपको डायमंड्स मिलते ही नहीं है, मतलब मिलते ही नहीं है कभी भी, तो इसके लिए भी एक ट्रिक बताऊंगा मैं, जो कि आएगी 10-11 एपिसोड में शायद। तो इफ आपको ये नहीं देनी है ऐसी लुक, तो ये आप ये इसको हटा के स्लैब बना सकते हो, जो कि इसके लिए आपको 3 चाहिए ऐसे गाइस, ऐसे 6 बन जाएगी आपकी स्लैब। ओ रात भी हो गई, तो
रात हो जाएगी तो आप लोग को बस कुछ ही चीजें चाहिए एक बेड बनाने के लिए, वुड और वूल। सिक्सटीन टाइप्स ऑफ वूल होते हैं, मैं येलो ले रहा हूँ, येलो। बस आपको क्या करना है, तीन ब्लैक्स ऐसे रखने और तीन वूल ऐसे, तो आपका एक बेड बन जाएगा। और आपको ऐसे प्लेस करोगे तो इतना सुंदर लगेगा। और बस रात हो गई, आपको सो जाना है। ऐसे फटाक से 2-3 सेकंड में आपका वो हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा था, ये स्लैब लेके यहीं बना देता हूँ। एक सपोज ये घर का रूफ है इतना बड़ा, ओके गाइस, इतना बड़ा घर का रूफ है। तो आप इधर 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 एक ब्लॉक ब्लॉक छोड़ के इधर ऐसे कर सकते हो। और ग्लास लेना है आपको, अभी मैं सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। और फिर से ऊपर ऐसे प्लेस कर सकते हो, मालूम नहीं वो क्यों वैसी हो रही है। और आपको यहाँ नीचे भी स्लैब लगाना पड़ेगा, तो ये वो नहीं हो रहा गाइस। तो मैं रिकमेंड करते हो आप ऐसी रूफ बनाए ऐसी। और फिर आपको एक केव ढूंढनी है, केव। केव में पहली चीज आपको एक ही चीज दिखेगी जिसका नाम है स्टोन, कॉबल स्टोन। देखिए गाइस, जैसे इधर लावा है तो इधर ये स्टोन भी है। अब आपको अपनी पिकैक्स लेनी है जो कि मेरी इधर है, और आपको बस ऐसे तोड़ देनी है। अभी मैं क्रिएटिव में इसलिए बहुत जल्दी टूट गए, थोड़ा सा वक्त लगता है टूटने में। ऐसे आपको मिलते हैं मतलब केव में तो लाखों करोड़ों होते हैं, इसलिए उतने मत ले लेना। सो इसको भी तोड़ ही देते हैं। गाइज इफ आप लोग वाह, ये देखिए गाइज, दो दो माह के बच्चे पापा के साथ घूम रहे बाहर। सो गाइज इफ आप लोग को लगता है कि ये तो क्रिएटिव में खेलता है, ये तो ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि क्रिएटिव में ही आप लोग को करना है, क्रिएटिव में ही सर्वाइवल, हम लोग तो सर्वाइवल खेलते हैं, तो ये सर्वाइवल का तो बोलेगा नहीं, नहीं गाइस ऐसा नहीं है। मैं सर्वाइवल जैसे ही एक्ट करूँगा कि मैं सर्वाइवल में खेल रहा हूँ। अब आपका घर का ये लुक अच्छी कर मतलब हो जाएगी, आपका घर बन जाएगा, तो फिर आप लोग को एंट्रेंस भी तो चाहिए, इसलिए आपको फिर एक डोर बना लेना है जो 6 वुड से बनती है। ऐसे आपको ऐसे ऊपर रख देना है, और इस एक 6 से 3 बच जाएगी, 6 वुड से 3 ये बच जाएगी क्या डोर। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप अंदर से लगाइए ताकि ऐसे ऐसे खुले। और फिर ये तोड़ दीजिए जितने भी ग्रास सब है, क्योंकि घर में अच्छा नहीं लगता ग्रास ग्रास। और जब आपके पास 8 स्टोन्स आ जाएंगे कॉबल स्टोन, तो फिर आपको वापस अपने क्राफ्टिंग, एक मिनट गाइस,
आपको अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास जाना है और साइज से स्टोन से भी बन जाएगी, ऐसे रख देना है कॉबल स्टोन ऐसे 8, तो आपका एक फोरनेस बन जाएगा। अभी मैं क्रिएटिव से ले लेता हूँ फोरनेस और फिर आप इसको अपने घर के अंदर लगा लीजिए, कहीं भी लगा सकते हो, जितने आपको चाहिए लगा लीजिए। अभी मैं 3 लगा रहा हूँ। फिर आपको वुड चाहिए होगी या कोल चाहिए होगी, तो केव में आपको बहुत आसानी के साथ कोल मिल जाएगी। तो मैं क्रिएटिव में हूँ इसलिए मैं कोल ले रहा हूँ, और आपको ले लेना है कोल और अपने फर्नेस में डाल देना है सेपरेट सेपरेट करके। फिर ऐसे ही आपको पानी सब दिख जाएगा, उसके पास सैंड होगी तो आपको अपना शवल लेके, ये देखिएगा इसे आइए, मेरे घर के पास सब कुछ है, मतलब यस गाइस मैं गर्ल के ड्रेसअप में खेल रहा हूँ, मतलब गर्ल का नहीं है, ऐसा आप लोग को तोड़ देना है। तो वापस से बता देता हूँ मैं क्रिएटिव में हूँ इसीलिए बहुत जल्दी टूट रहा है, नहीं तो थोड़ा सा समय लग रहा है। तो आपके पास जब सैंड आ जाएगी तब आप लोग को अपनी सैंड ले लेना है, तो अभी मैं सैंड ले लेता हूँ, एक सेकंड गाइस, सैंड वेरी सैंड यस, ठीक है गाइस। और इसको भी आप सेपरेट कर दीजिएगा जितना आपके वो है फर्नेस, तो मैं तो सेपरेट कर रहा हूँ कि कोशिश में हो। ओके गाइस, फिर आप जैसे ही इसको अपने फर्नेस में डालेंगे तो ग्लास बनना शुरू हो जाएंगे, ये देखिए गाइस ये ऑलमोस्ट बन गया ग्लास। अभी मेरे पास ग्लास है इसलिए मैं ये छोड़ देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही होएंगे गाइस, ऐसे ही ग्लास बनती है। और इस आपके पास थोड़ा सा भी कोल बचा हो 1-2 तो आपको स्टिक लेना है और वो कोल और थोड़े से टॉर्चेस बना लेना है और अपने घर के यहाँ लगा देना है ताकि अंधेरे में भी रोशनी दिखे। तो मेरे पास तो अनलिमिटेड है, आपके पास तो ऑब्वियसली नहीं होएगा क्योंकि आप लोग सर्वाइवल में खेलोगे, तो मैं तो टॉर्चेस लगा दिया, ऐसे ऐसे भी लगा देता हूँ ताकि बाहर भी रोशनी जमे हुए हो, जमे हुए वो क्या होता है, रोशनी दिखे। तो मैंने टॉर्चेस लगा लिए, ओ थोड़ा और नंबर हो गया, ये देखिए गाइस धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब आपको अपना सब कुछ शिफ्ट कर लीजिए या अपने घर में जैसे आप करना है, दो बेड टेबल सब कुछ मूव कर लीजिए, और क्राफ्टिंग टेबल से याद आया गाइस इफ आपके पास 8 और बच्चे हो या 8 से ज़्यादा तो आपको वुड को ही ऐसे रख देना है जैसे मैंने वो किया था बनाने के लिए, क्या नाम है, फर्नेस, हाँ तो वैसे चारकोल बोल दिया गलती से गाइस, इसके बजाय स्टोन के बजाय आप वुड रखेंगे तो चेस्ट बन जाएगा, से आप अपने सामान स्टोर कर सकते हैं गाइस। तो घर बन गया
विलेज तो नहीं है मेरे घर के पास कहीं, ढूंढ के आ जाता हूँ। सो है तो नहीं। तो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ने घर बनाना सीख लिया, फर्नेस बनाना सीख लिया, टूल्स बनाना सीख लिया, बेड बनाना सीख लिया, चेस्ट भी बनाना सीख लिया, बहुत कुछ बनाना सीख लिया। तो पार्ट टू का प्लीज याद आए एक चीज से गाइस, इफ आपको ऑटोमेटिक डोर चाहिए तो आपको कुछ नहीं चाहिए। इफ आपके पास चार या आठ बच्चे हो तो बस आपको ऐसे रख देना है दो दो। तो एक सेकंड गाइस, एक ऐसे एक ऐसे, ये देखिए गाइस प्रेजर प्लेट बच गया। अब जब भी मैं इनके ऊपर पैर रखूंगा, सपोज ये बंदू है मैं, और जब भी मैं इसके ऊपर पैर रखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। तो मैं यहाँ तो नहीं लगने वाला क्योंकि मॉब्स आ सकते हैं मेरे घर के अंदर, फिर क्योंकि वो लोग भी कोई भी जब प्रेशर प्लेट को टच करेगा तब खुल जाएगा हम लोग का गेट। तो हम लोग ने आप बहुत कुछ सीख लिया, और आपके पास हंगर बार भी होगा तो आपको या तो फार्मिंग करनी पड़ेगी, ऐसे इफ आप लोग ग्रास छोड़ोगे तो चांसेस है कि आप लोग को सीड मिल जाए, वीट का सीड। इफ आपको नहीं मिलता है तो आपको बस नेक्स्ट एपिसोड में मैं फार्मिंग करना सिखाऊंगा, आपको ऐसे मारना पड़ेगा एनिमल्स को, ये छोटा बच्चा, फिर आपको खाना मिल जाएगा। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये काउस को मारिए ज़्यादा, क्योंकि उनसे दो खाना मिलता है। तो देखिएगा इतने सारे मॉब्स आ गए। तो नेक्स्ट एपिसोड का प्लीज वेट कीजिएगा, और ऐसे ही मत चले जाना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सब कमेंट और शेयर करना प्लीज, क्योंकि ये 50% लोग अभी तक सब नॉट सब्सक्राइब, और 10% लोग हैव सब्सक्राइब्ड। और इफ आपके पास सवल है जो आपके काम में आ रहा है तो अपने फ्लोर को बस ऐसे कर दीजिए सवल के साथ। बेड इज टू फार अवे, बेड अरे इज टू फार अवे। बस आपको ऐसे टच कर देना, गलती से ये हो गया गाइस। और एक सेकंड गाइस, ऐसे आपको पूरा आप ऐसे कर सकते हो इफ आपको कोई काम नहीं आ रहा तो, और इफ आप बोर हो रहे हो तो सा अपने मिट्टी को ये वाले मिट्टी में बदल दीजिए। सो आप लोग को बैकग्राउंड में कोई साउंड सुनाई दे रही होगी तो सॉरी, इफ आपको सुनाई दे रही होगी तो वेरी वेरी सॉरी, इफ आपको सुनाई दे रही होगी तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ये। गाइस लास्ट बार बोल रहा हूँ, इफ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए ना तो मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा नहीं। सो ये था हम लोग का माइंड द माइनक्राफ्ट पार्टिकल सीरीज का पार्ट 1, #1। तो कुछ दिनों में #2 आने वाला है, और ऐसे तो मैं रखता नहीं हूँ लाइक्स का। इफ इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं आने वाले, तो 1000 तो ज़्यादा ही हो गया, 30 लाइक्स आ गए तो मैं ये क्या बोलते हैं, अब मैं दीदी के साथ एक चैलेंज करूँगा जिसका नाम होगा
who will make a best house in Minecraft. तो आज के लिए बस हो गया, हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.